हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। संडे जो आपको पीडीएफ मिला था ये टेस्ट का, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक उस टेस्ट को दिया नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वे जाइए यहाँ पर टेलीग्राम में माय सीजी एग्जाम सर्च करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस लिंक के थ्रू आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ में क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। उसके बाद हम लोग अभी सॉल्यूशन देख लेंगे। और इस कोविड के काल में आपको नकारात्मक लोगों से बचना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, एग्जाम कभी ना कभी होगा, ठीक है? ऐसा नहीं मान के चलना है कि एग्जाम होगा ही नहीं, होगा। अब जून जुलाई अगस्त में एग्जाम होने की संभावना है और होगा, ठीक है? सो पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कल का पहला क्वेश्चन था कि कौन से शेड्यूल में राज्यसभा के सीट के बारे में बताया गया। तो वो शेड्यूल है या अनुसूची है फोर्थ, चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा के सीटें का आवंटन होगा उससे संबंधित है, फोर्थ शेड्यूल या चौथी अनुसूची। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं, 12 शेड्यूल हैं, ठीक? तो ये सारे शेड्यूल को मैं आपको दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, क्योंकि शेड्यूल आपको याद होने चाहिए, कौन सा फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड, सब आपको होना चाहिए, एक शेड्यूल याद होना चाहिए, ठीक? फर्स्ट शेड्यूल जो है, पहला अनुसूची है, उसमें जितने हमारे स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट हो गया और स्पीकर हो गए लोकसभा के, राज्यसभा के स्पीकर या अध्यक्ष हो गया, ठीक? और इसी प्रकार विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है, कैग हो गया, इनके सैलरीज के बारे में बताया है। थर्ड जो है उसमें शपथ के बारे में बताया गया, ओथ है, ठीक है? ये जितने भी हमने अभी नाम लिया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गए, है ना, इन सब के ओथ के बारे में बताया है। फोर्थ अभी देखा हमने कि राज्यसभा की सीट्स के एलोकेशन के बारे में बताया। फिफ्थ में और सिक्स्थ में, ये दोनों में जनजातीय क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है, और सिक्स्थ में तो सीधा नाम भी मेंशन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो जनजातीय इलाके हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है। सेवेंथ में लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब सेवेंथ में कौन कहां कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट में यूनियन केंद्र सरकार कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट के मैटर में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, ठीक? एट्थ में लैंग्वेजेस के बारे में बात किया गया है ना। इस प्रकार से ये हमारे पास आठ मूल संविधान में थे, 9, 10, 11, 12 ये अभी है वर्तमान में, ठीक है? ये हिंदी में भी आपको दिख रहा है, इसे पढ़ लेना, अनुसूची आपको 1 से 12 याद होने चाहिए। अच्छा, अभी आपको एक मोटिवेटिंग मैसेज दिखाई दे रहा होगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब ध्यान से देखना, हमारी मंजिल क्या है, एग्जाम क्रैक करना, कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर ले, है ना? पहले तो कोई एग्जाम क्रैक करे, फिर आप बड़े, जो आपका बड़ा एग्जाम का ड्रीम है यूपीएससी पीएससी, उस पर फोकस करें, या अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मंजिल का मतलब है एग्जाम क्रैक करना, ठीक? वो यूपीएससी भी हो सकता है, पीएससी भी हो सकता है, और जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक? तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। एग्जाम की तैयारी तो सब करते हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, ये भी कर रही है, वो भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। एग्जाम तो बहुत कम लोग का सीट होता है, 100 लोग का सिलेक्शन होगा, 150 का सिलेक्शन होगा, 50 का सिलेक्शन होगा, लेकिन एग्जाम की तैयारी तो सब कर रहे हैं। तो एग्जाम उन्हीं का क्रैक होगा जिनके हौसलों में जान है, ध्यान से समझना, हौसलों में जान का मतलब है कि वो नेगेटिविटी से बचेंगे, भैया एग्जाम तो होगा ही और मैं क्रैक करके रखूँ, क्रैक करके दिखाऊंगा ही, ये हौसलों में उनकी जान होना चाहिए, ठीक? तो ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल कोट है, इसे ध्यान से आप अपने जिंदगी में उतारिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से उधार ली गई है, ठीक है? ये हिंदी ट्रांसलेशन है तो थोड़ा उधार उधार वर्ड आ गया है आपको। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस हैं या स्रोत है वो याद रखना है, कहाँ से कौन सा चीज लिया गया है, ठीक? जैसे अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स है, ठीक? यहां से बहुत सारी चीजों को एज इट इज उतारा गया है। अब देखना, इस 1935 से कौन सा ये चारों आपको दिख रहा है, इन चारों में से कौन सा
फीचर्स को एडॉप्ट किया गया है, देखते हैं। वन ऑन थ्री। वन में ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल, और जो थर्ड है वो है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी, इसके बारे में। ठीक, ये वन और थ्री को लिया गया है 1935 एक्ट से। अब देखें 1935 के अधिनियम से और क्या क्या चीज लिया गया है। तो ये फेडरल सिस्टम लिया गया है, गवर्नर का कार्यकाल लिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, जो हमारे न्यायपालिका का ढांचा है अभी, वो लिया गया है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी लिया गया है, और थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये 1935 के अधिनियम से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। ठीक, अब ये जो समवर्ती सूची है, इसका सोर्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसी प्रकार जो संसदीय विशेषाधिकार है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक, तो ये सोर्सेस आप जरूर लिस्ट बना लेना। सोर्सेस के से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, सोर्सेस का लिस्ट बना लो। शेड्यूल आप 1 से 12 जो दिया है वो याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने पर्सनली बहुत लोगों से मिला है, उन लोग को हमेशा मैं सुनता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत है, हिस्ट्री हो जाता है, पॉलिटी नहीं होता। तो पॉलिटी इसलिए नहीं होता ना कि पॉलिटी में आपको याद करना पड़ता है। अभी इसको इंसान समझेगा कैसे कि कौन सा ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कौन सा ब्रिटेन से लिया है, समझना नहीं है, याद करना है। और याद इंसान को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। तो बार बार पढ़ते रहना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है। संविधान की जो फैक्ट है उनको याद करिए, कुछ फैक्ट है इसमें, संविधान में बहुत चीज फैक्ट मिलेगा आपको, उसको याद रखना है। ठीक, आर्टिकल्स के नंबर याद रखने हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है। ठीक, ये सब याद रखना है। मूल अधिकार जो दिया है उसको तो अच्छे से कर लेना, वहां से वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं, कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अपने निर्णय में, मतलब राष्ट्रपति अपने निर्णय में, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय जो उन्हें लिखित में मिले। ठीक, तो अगर ये ऑप्शन डी नहीं होता, यहां कुछ और लिखा होता तो इसका आंसर ए हो जाता, लेकिन डी है, डी की वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंत्रिमंडल जब लिखित में देता है तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक, सो अंडर 352 आर्टिकल, ये याद रख लेना। ये हमारे नेशनल इमरजेंसी का जो लगता है ना प्रेसिडेंट के द्वारा, उसका आर्टिकल है। इस आर्टिकल के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट किसी भी जगह पे या किसी स्टेट में 352 आर्टिकल से के जरिए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। ठीक, अब ये जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जैसे ही हो गया ना, उसके एक महीने के अंदर में इसे दोनों हाउसेस से, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूवमेंट मिलना चाहिए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों हाउसेस एक महीने के भीतर अप्रूव करना चाहिए। ठीक, ये याद रख लेना। और इसी प्रकार ये जो इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, वो 6 महीने के लिए लगता है। ठीक है, वंस अप्रूव्ड इट कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर प्रत्येक 6 महीने में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से, कौन से इंडियन स्टेट से पास नहीं होता? इसके बारे में मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बात किया था। तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो कौन कौन से स्टेट से पास होता है? तो 8 स्टेट्स हैं, देखिए, गुजरात है, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, सीजी हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये वाला मिजोरम हो गया। इन 8 स्टेट से जो ये कर्क रेखा है ये क्या होता है? गुजरते हैं। ठीक, इसको याद रख लेना। अगला प्रश्न है, राइस बॉल ऑफ इंडिया, भारत के चावल का कटोरा कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को भी चावल का, धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत के चावल का कटोरा, ये कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है इसे कहा जाता है। ठीक, डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डंकन पासेज इज सिचुएटेड बिटवीन, डंकन पासेज कहां पर स्थित है, किनके बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जितने ये पासेज होते हैं आप याद रख लेना। इसका आंसर है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ये डंकन पासेज है। देखिए, जैसे यहां पर दिख रहा है, ये हो गया अंडमान जो है, अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 मेन आइलैंड को माना गया है। एक नॉर्थ अंडमान है,
एक मिडिल अंडमान है, एक साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान। अब ध्यान से देखना, ये अंडमान हो गया, ये अंडमान के आइलैंड है, अंडमान के, ठीक। तो अंडमान में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान आपको दिख रहा है। ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पासेज आपको दिख रहा है, वो है डंकन पासेज, ठीक। इसी प्रकार लक्षद्वीप और मिनी क्वाय के बीच 9 डिग्री चैनल है, और मिनी क्वाय या इंडिया बोलू और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये कौन कौन से जो जगह है वो दो क्षेत्रों को डिवाइड करता है, जैसे डंकन पास है, डंकन पास है ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। लक्षद्वीप और मिनी कुआ के बीच ऐसा लाइन खींचा हुआ है 9 डिग्री चैनल, ये दोनों क्षेत्रों को विभाजित कर देता है, भाग में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक। इसी प्रकार मिनी कुआ और मालदीव्स को डिवाइड कौन कर रहा है, 8 डिग्री चैनल। ये सब याद रख लेना। और अगर एक प्रश्न आया कि अंडमान, ये तो पूरा अंडमान हो गया, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा विभाजन रेखा है, तो 10 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये जितने चैनल्स हैं, डंकन पास हो गया, ये सब आपको याद रखना है। ये रहा अंडमान का मैप, देख लो थोड़ा सा और अच्छे से। ये अंडमान हो गया, टोटल अंडमान यहां से यहां तक है, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान, ठीक। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन खींचा दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये है डंकन पासेज। और यहां आपको 10 डिग्री चैनल दिखाई दे रहा है, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एपी। अब आपको इंडिया के मैप में देखो, थोड़ा समझ में आएगा। ये इंडिया का मैप हो गया, जहां से जैसे हमने भारत के अक्षांशी विस्तार के बारे में पढ़ा है, कहां से कहां है अक्षांशी, 8 डिग्री 4 से यहां दिखाई दे रहा है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड है ना अक्षांशी। उसी पर अगर देशांतरी विस्तार देखें तो 68-60 से 97-25 है, तो 97-25 कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये एपी का कौन सा एरिया, तो इसको बोलते हैं किबीथू, जगह याद रख लेना। ये पश्चिम का सबसे पश्चिम, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है भारत का। उसी प्रकार यहां पर आपको दिखाई देगा गौर मोता, या इसे गुहार मोते, गुहार मोती भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हो जाएगा इंदिरा कॉल, यहां पर इंदिरा कॉल, और यहां पर हो जाएगा कन्याकुमारी। चलिए, कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को, मैंने अभी बताया है ना, 10 डिग्री चैनल। द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया, भारत की सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो नो डाउट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में डॉल्फिन नोज नामक एक छोटा सा पहाड़ टाइप का है, पहाड़ नहीं बोलेंगे, पत्थर उत्थर से, वो विशाखापट्टनम को प्रोटेक्ट कर लेता है चक्रवात से, डॉल्फिन नोज। दसवा, निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है, तो वो है ओनम। अगला प्रश्न है, मधुबनी एक शैली है लोक चित्र की, ठीक है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये बिहार। अब छत्तीसगढ़ से प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। लाल दोमट मृदा समूचे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो ये गलत है, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, थोड़े से क्षेत्र में, दंतेवाड़े और सुकमा के थोड़े से क्षेत्र में ये दिखाई देता है, तो पहला गलत हो गया। लाल दोमट मृदा अम्लीय प्रवृत्ति की, हाँ एसिडिक नेचर का होता है, नो डाउट, ठीक है, तो ये सही है, मतलब ओनली टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल टू सही है। जो लाल दोमट मृदा है ये एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। 13 देख ले, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, शिवनाथ नदी जो है अरपा की सहायक नदी है, तो गलत है, अरपा जो है वो शिवनाथ की सहायक नदी है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, खारंग नदी में खूंटागढ़ बांध है, तो ये सही है, खारंग नदी जो है अरपा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये भी याद रख लेना, और खारंग नदी में ही खूंटागढ़ बांध रतनपुर बिलासपुर में है, ठीक है, रतनपुर के थोड़ा पास में ही है खूंटागढ़ बांध, और रतनपुर बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दो, ओनली टू। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट का गठन कब हुआ? अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है 4 जुलाई। अब एक आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। तो बोलते तो हैं, सही है, बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण देख लो, कथन के पीछे कारण है कि छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है, तो ये तो गलत है भाई। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य नहीं है, सबसे बड़ा तो वेस्ट बंगाल है। सबसे छत्तीसगढ़ की स्थिति रैंक जो है 9वें 10वें नंबर पे है, तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ नहीं हो पाया। मतलब कथन सही है, कारण गलत है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हमारा अभी कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमने ये सॉल्यूशन किया। अब आपको पढ़ना है, जिनके क्वेश्चन 10-15 में 10 या 10 से ज्यादा सही हुए हैं, या जिनके कम आए हैं उनको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट, बहुत मेहनत करना है। 10 से कम आ रहा है मतलब मेहनत बहुत करना है। ठीक है, 10 से प्लस आ रहा है तो ठीक है, आपकी स्थिति भी सही है और पढ़ने की जरूरत तो वैसे हमेशा रहेगा, है ना। जिसका 15 में 15 भी आया है ना, उसको भी पढ़ाई नहीं छोड़ देना है। ठीक है, पढ़ाई तो करते ही रहना है, पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा। अपना टारगेट मत भूल जाना, टारगेट आपका एग्जाम क्रैक करना है, सीजीपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, मैं एक आपको बताने वाला था एसएससी सीजीएल के बारे में। ये जो एग्जाम है ना एसएससी सीजीएल, बहुत लोग जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे उनके बाद बता दूं मैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हर साल होता है। ठीक है, इसका एग्जाम होता ही है। इसमें बेसिकली 4 पोर्शन है, मैथ्स का एक खंड है, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25, इंग्लिश 25 आता है, और जीके एंड करंट अफेयर ये 25 आया है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है ऑनलाइन, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हो। सीजीएल हर साल होता है एग्जाम, 2 टीयर में होता है, मतलब पहला आप पास कर लो, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, पहला पास कर लिए तो सेकंड आपको एग्जाम देना है, सेकंड, है ना। इसी प्रकार ये भी 2 टीयर में होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद पोस्टें मिलना चालू हो जाएगा अगर पास हो गया सेकेंड। फिर आगे बढ़ने के लिए थर्ड टीयर भी होता है और फोर्थ टीयर भी होता है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप सेकेंड टीयर क्रैक करके एग्जाम ले सकते हो, है ना, पास कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। तो एसएससी सीजीएल की तैयारी आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा और भी एग्जाम के बारे में, लेकिन अभी आप पढ़ते जरूर रहिए। कुछ आपको सजेशन देना है तो कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।